आज के इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है आइसोलेटर्स। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश करी है। क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज आइसोलेटर? आइसोलेटर, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, आइसोलेटर क्या करता है? सर्किट को आइसोलेट करता है। ये देखिए, ये जो आइसोलेटर है यहाँ पे पहले ये क्लोज रहता है, लेकिन जब ये इसको कमांड जाती है तो ये ओपन हो जाता है। बुकिश लैंग्वेज की बात करें तो आइसोलेटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ ऑपरेटेड मैकेनिकली टू सेपरेट अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसका मेन फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट को अलग करना, लेकिन इसको क्या करते हैं, मैनुअली ऑपरेट करते हैं। ये देखिए, ये दोनों आइसोलेटर हैं, डिसकनेक्टेड स्विच भी बोलते हैं इनको, और ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई फॉल्ट आता है या फिर कोई मेंटेनेंस का काम करना है, तो यहाँ से ये सर्किट, ये वाला आइसोलेटर ऑपरेट करेंगे, यहाँ से ये वाला ऑपरेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ आइसोलेटर्स एंड वाई दे आर यूज्ड। ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? इसका आंसर तो यही है कि इट इज़ यूज टू सेपरेट द इलेक्ट्रिक सर्किट। कभी भी कोई भी हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को अगर हमें सेपरेट करना है तो हम आइसोलेटर का यूज़ करेंगे, और ये होता है मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता है। हालांकि इसके ऑपरेशंस मोटराइज्ड होते हैं पुश बटन से ऑन ऑफ करके, लेकिन हम मैनुअली पुश बटन ऑपरेट करते हैं। अब देखिए इसकी वर्किंग की बात करते हैं, तो ये जो एक डायग्राम है यहाँ पे क्या है कि ये एक तरीके का फ्लैप होता है, ठीक है, ये वर्टिकली ओपन होता है जब हम कोई भी पुश बटन ऑपरेट करते हैं या फिर हम मैनुअली इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे एक फिक्स कॉन्टैक्ट्स होते हैं और ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ओके और यहाँ पे एक मेल मेल कॉन्टैक्ट होता है, ये फीमेल कॉन्टैक्ट होता है, जो कि इसमें आके यहाँ पे फंस जाता है, तभी हम अपने सप्लाई को रिज्यूम करते हैं जब ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है। इसकी अर्थिंग भी की जाती है, जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी अर्थिंग होती है, डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होती है, और हम यहाँ पे पूरे अर्थिंग जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसको हम कनेक्ट कर देते हैं अर्थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन आइसोलेटर्स एंड सर्किट ब्रेकर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछा ही जाता है, अगर आइसोलेटर्स की बात होती है तो। ऐसे शो होते हैं, ओके ये आइसोलेटर है और ये है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का पैनल है और ये उसके पोल्स हैं। तो पहला डिफरेंस यही होता है कि जो हमारा सर्किट ब्रेकर है वो हमारा ऑन लोड ऑटोमेटिकली ट्रिप होता है या फिर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है, लेकिन लेकिन हमारा आइसोलेटर क्या होता है, वो हम मैन्युअली उसको ऑन ऑफ करते हैं ऑफ लोड कंडीशन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ लोड मतलब कि जब हम अपने पूरे सर्किट को पूरा डी एनर्जाइज कर देते हैं और उसका लोड हम जीरो कर देते हैं, उस कंडीशन में हम इसको ओपन करते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट है कि सर्किट ब्रेकर के पास क्या होता है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है। अगर मान लीजिए SF6 सर्किट ब्रेकर है तो उसमें SF6 है, जब भी कोई आर्क प्रोड्यूस होता है कॉन्टैक्ट्स बनने या फिर छूटने की वजह से, तो वो SF6 गैस की वजह से वो क्वेंच हो जाती है, मतलब कि वो आर्क जो होती है वो हमें दिखती नहीं है और वहीं पे बंद हो जाती है। लेकिन आइसोलेटर्स के केस में क्या होता है, कोई भी आर्क क्वेंचिंग इसमें मीडियम नहीं होता है, जब हम इसको ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं जो भी उसमें, फिर वो आर्क की फॉर्म में हमें दिखेगी। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रेटिंग ऑफ आइसोलेटर। आइसोलेटर की रेटिंग रेटिंग की अगर बात करें तो ये एक तो इसकी वोल्टेज की बात करते हैं हम, रेटिंग में जितने भी आपकी सप्लाई वोल्टेज है स्विच यार्ड में, सब स्टेशन में, अगर मैं 132 केवी स्विच यार्ड की बात करूं तो यहाँ पे हम 132 केवी का हम आइसोलेटर यूज़ करेंगे। करंट की बात करें तो यहाँ पे आपका फुल लोड एम्पियर देखा जाएगा आपके सिस्टम का, और अगर आपके सिस्टम का 1000 है तो आप 1000 की रेटिंग लेंगे। तीसरा जो इसका देखा जाता है वो होता है शॉर्ट सर्किट करंट कैपेसिटी, ओके 400 केवी का है सब स्टेशन, तो यहाँ पे 63 किलो एम्स का हमारा आइसोलेटर यूज़ होगा, जिसका ओके 3 सेकेंड के अंदर ये शॉर्ट सर्किट, 3 सेकेंड तक ये झेल सकता है उसको, ओके। ऐसे ही अगर 132 केवी की बात करें तो यहाँ पे होगा आपका 40 किलो एम्स एंड सो ऑन। ये है
एक्सप्लेन रूटीन टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन आइसोलेटर्स। आइसोलेटर पे कौन कौन से रूटीन टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए? तो देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, दो तरीके के आप टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहले तरीके का टेस्ट होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट, मतलब जो ये कॉन्टैक्ट्स होते हैं इनका रेजिस्टेंस मेज़र किया जाता है। जैसा कि पता है कि हर एक पोल पे अलग अलग आइसोलेटर लगते हैं और इनका हर एक का कॉन्टैक्ट अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस लेते हैं। तो वो रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं जिससे कि हमारे कॉन्टैक्ट्स की लाइफ पता चलती है, कितनी इसमें अभी लाइफ बची है, या फिर अगर कहीं इसमें कोई भी डैमेज है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं। ओके, इससे क्या होता है कि एक तो हमारा इरोडेड या रस्टेड कॉन्टैक्ट्स का पता चलता है, या फिर कोई लूज कनेक्शंस होते हैं तो भी हमारा रेजिस्टेंस गड़बड़ आएगा फिक्स या मूविंग का, और प्रॉपर कनेक्शन बोल्ट जॉइंट्स के भी चेक हो जाते हैं। ओके, दूसरा टेस्ट होता है आई आर टेस्ट। आई आर टेस्ट अगेन एक मेगर टेस्ट होता है जिससे कि हम इसकी मेगर वैल्यू चेक करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कितना वोल्टेज हम इसको डीसी देते हैं। डीसी वोल्टेज इसमें इंसर्ट करके हम इसमें क्या करते हैं, मेगर चेक करते हैं, जो कि आपके गीगा ओम या फिर और भी ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। जितनी ज़्यादा वैल्यूज आएंगी या फिर इन्फाइनाइट आए तो बहुत ही अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सेफ्टी मेजर्स टू बी टेकन वाइल ऑपरेटिंग आइसोलेटर। तो होता है, और ये देखिए यहाँ पे अर्थिंग है। ओके, क्या करते हैं जब भी आइसोलेटर को ओपन करते हैं यहाँ से, ओके, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। कम से कम ह्यूमन अनसेफ नहीं होगा, अर्थ के थ्रू जब भी इसमें कनेक्ट होगा तो सारा का सारा लीकेज अर्थ में चला जाएगा। पहली बात तो अगर सप्लाई ऑन है तो इसको हमें डिसकनेक्ट ही नहीं करना है, सबसे पहले हमें सप्लाई को अनएलडी करना है, कंफर्म करना है, उसके बाद ही हम इसको डिसकनेक्ट करेंगे। ओके, हमेशा सप्लाई ऑन करने से पहले भी इसको हम कनेक्ट करते हैं और हम सप्लाई बंद होने के बाद ही इसको ओपन करते हैं। वो सिर्फ इतना होता है कि आपके सिस्टम को एक तरीके से सेफ करने का। अगर आप मान लीजिए यहाँ सिस्टम पे अगर आप काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे आप एक तरीके से जब काम करते हैं तो यहाँ पर पूरे सेफ काम करते हैं। कोई भी अगर गलती से भी आगे सप्लाई ऑन कर देगा तो सप्लाई यहाँ तक ही पहुँचेगी, आगे यहाँ पर काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ नहीं पहुँचेगी। तो सेफ्टी इसकी, सबसे पहले आप सप्लाई कंफर्म करिए कि सप्लाई हेल्दी है या अनहेल्दी है, उसके बाद ही इसको ओपन और क्लोज़ करिए। दूसरा, जब आप इसको ओपन कर देते हैं तो इसकी अर्थिंग ज़रूर करिए, बिना अर्थिंग के इसको आगे टच नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ यूज इन आइसोलेटर। अब देखिए, अगर मटेरियल की बात करें तो ये इसमें यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट जहाँ बनते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेटल स्प्रिंग्स यूज़ करते हैं, रबर बुशिंग यूज़ करते हैं इसमें। लेकिन उससे भी अच्छा एक मटेरियल जो हमें आंसर देना है वो है, तो आंसर हमें देना है सॉर्बोथेन। ओके, इसकी क्या होती है, विस्को इलास्टिसिटी पॉलीमर होता है ये, और ये बहुत ही अच्छा, सबसे बेस्ट मटेरियल होता है आइसोलेटर में यूज़ होता है। यह क्या करता है, जो पैड कंस्ट्रक्शन है इसमें यूज़ होता है आइसोलेटर के। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ऑफ लोड एंड ऑन लोड डिपेंडिंग अपॉन द सप्लाई अवेलेबिलिटी। अगर हमारी सप्लाई ऑन है और हम तब भी इसको ऑपरेट कर रहे हैं, वैसे नहीं करना चाहिए, तो इसको हम ऑन लोड बोलेंगे। अगर हमारा सिस्टम ऑफ है पूरा तो हम ऑफ लोड बोलेंगे। ओके, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब हम पूरे सिस्टम को बंद कर रहे हैं तो हमारा ऑफ लोड रहेगा। जैसा कि आपको देख के पता चल रहा है, इसमें कोई आर्क क्वेंचिंग मीडियम नहीं है जैसा कि सर्किट ब्रेकर में होता है। सर्किट ब्रेकर में हर एक ब्रेकर में, जैसे एसीबी में एयर होता है, वैक्यूम में वीसीबी में वैक्यूम होता है आर्क को क्वेंच करने के लिए, तो आइसोलेटर में कोई भी क्वेंचिंग मीडियम नहीं होता है। इसका मतलब यही है कि आइसोलेटर को हमेशा ऑफ लोड ही यूज़ करना चाहिए। सिस्टम को पहले बंद कीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ करना है।